Hello everybody, welcome back. So this is Bhavna Puri and today we will talk about kingdom fungi. तो biological classification की already मैं कुछ videos upload कर चुकी हूँ जिसमें हमने introduction पढ़ा था, then kingdom monera, फिर kingdom protista और आज की video में हम बात करेंगे kingdom fungi के बारे में. तो लिख लेते हैं फटाफट से, हम बात कर रहे हैं kingdom fungi. तो कुछ characteristic features पढ़ेंगे kingdom fungi के, फिर उनकी categories के ऊपर चलेंगे. ठीक है, देखो किंगडम फंजाई यानी कि फंगस, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंप्लीटली हेटरोट्रॉपिक होते हैं. कंप्लीटली हेटरोट्रॉपिक होंगे. दीज आर कॉस्मोपॉलिटन. इसका मतलब होता है कि वो हर जगह मिलते हैं, वो सॉइल में, एयर में और वाटर में कहीं भी मिल सकते हैं. तो हम लिख लेते हैं, दीज कुड बी फाउंड इन सॉइल, एयर एंड वाटर. ठीक है, अब ये जो फंगस है मैंने ऑलरेडी लिखा है कि वो हेटरोट्रॉपिक है. साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर दोनों हो सकती हैं, यूनिसेल्यूलर भी एंड मल्टीसेल्यूलर भी. ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल है यीस्ट, मल्टीसेल्यूलर में बहुत सारे हैं जैसे कि पेनिसिलियम ले लीजिए, है ना, पेनिसिलियम हो गया, राइजोबस हो गया जो कि ब्रेड मोल्ड होता है, एल्ब्यूगो ले लीजिए, म्यूकर. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मल्टीसेल्युलर में एंड यीस्ट आर जनरली यूनिसेल्युलर. तो ये सिंगल सेल या यूनिसेल्युलर यीस्ट को छोड़कर जितनी भी फंगस होती हैं, दीज ऑल आर फिलामेंटस. कैसी होती हैं? फिलामेंटस होते हैं. ठीक है, इनके पास इनकी बॉडी के सरफेस पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जिसको हाइफे बोलेंगे. और ये किस चीज में हेल्प करेगा? लोकोमोशन में, साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. ठीक है, तो मेन फंक्शन रिप्रोडक्शन है. क्या बोलते हैं इसको? हाइफे बोलेंगे, राइट. एंड द नेटवर्क ऑफ हाइफे, अगर किसी फंगस में बहुत सारे हाइफे अरेंज हैं तो उसका जो नेटवर्क होगा, द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम. क्या बोलते हैं उसको? माइसीलियम. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया. लेकिन जब इस हाइफे को आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे तो यू विल सी इसके अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, है ना. तो ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे, इसको बोलेंगे कोइनोसिटिक हाइफे. कोइनोसिटिक हाइफे, तो ये आपको नाम याद रखना है. जो फंगस होती है वो क्या है? वो मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों हो सकती है, हेटरोट्रॉपिक है, कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिलती है. अब इनके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हाइफे बोलेंगे, और वो हाइफे रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा. साथ ही साथ आप देखोगे इसका जो नेटवर्क है उसको माइसीलियम कहते हैं. अगर क्रॉस वॉल या फिर सेप्टेट है, अरेंजमेंट कैसी है? मान लीजिए दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ हाइफे. तो जो माइसीलियम है वो कैसा होगा? क्रॉस वॉल. तो जो माइसीलियम है वो क्रॉस वॉल भी हो सकते हैं, ठीक है, या सेप्टेट. तो ये आपको याद रखना है, राइट. अब इसी के साथ साथ आप देखोगे कि जो फंगस है वो जितने बेनिफिशियल है उतने ही उसके नुकसान भी है. पहले देखेंगे बेनिफिशियल कैसे है, किस तरीके से फंगस हमारे लिए फायदेमंद है. तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि पेनिसिलियम, अभी पेनिसिलियम का एग्जांपल हमने लिया था. ये जो पेनिसिलियम है ये एक एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन करवाती है. एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन की. एक होती है एस्पैरजिलस नाइगर, एस्पैरजिलस नाइगर, ये भी एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी. तो यानी कि फंगस बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है. लेकिन जब हम इनके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो आप देखोगे कि ये बीमारियां करवा सकते हैं, बहुत सारे डिजीजेस करवा सकते हैं. जैसे कि अगर ह्यूमन के केस में बात करेंगे तो फिर ये जो वॉर्म, रिंग वॉर्म होते हैं, ये कौन करवाते हैं रिंग वॉर्म्स? ये फंगस करवाती है. एंड दीज फंजाई ग्रो इन द रीजन ऑफ ह्यूमिडिटी, जहां मॉइस्चर है, जहां नमी है, या फिर जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलेंगी और इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा होगी. ठीक है, प्लांट्स में ये कौन कौन सी बीमारियां करवा रही है भाई? प्लांट्स में ये रस्ट करवा देती है, ये स्मट करवा देती है.
तो वीट में जो रस्ट करवाने वाली फंगस है उसका नाम है पसीनिया, एंड देन स्मट करवाने के लिए यूज टिलेगो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डिजीजेस मैंने आपको बताई है जो कि फंगस प्लांट्स में करवाती है। ठीक है, एनिमल में कौन सी थी? रिंगवॉर्म थी। ये तो डिसएडवांटेजेस हो गई, एडवांटेजेस भी आप लोगों ने देख लिया है। तो जो फंगस है उसके दोनों ही चीजें हैं, फायदे भी है और नुकसान भी है, राइट। ब्रेड मोल्ड का सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, राइजोपस फंगस होती है जो ब्रेड के ऊपर अपियर होती है। उसके अलावा मशरूम का एग्जांपल ले लीजिए, वो भी एक फंगस है। एंड देन टोड, जो टोड स्टूल होता है, टोड का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो अ फंगस। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ ये जो फंगस होती है ये एसोसिएट हो जाती है कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे कि जो फंगस है इट कुड बी फाउंड एसोसिएटेड विद एल्गी। तो जब भी फंगस एल्गी के साथ एसोसिएट करती है तो वो लाइकन की फॉर्मेशन करेगी, है ना। अब ये लाइकन क्या है, मैं फटाफट से आपको यहीं पर लाइकन समझा देती हूँ। ये जो लाइकन है दिस इज द एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। क्योंकि मैंने बोला कि जो फंगस है वो हेटरोट्रॉपिक है, तो एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉपिक है। एल्गी का काम है फूड बनाना और फंगस तक पहुंचाना, बदले में ये जो फंगस है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन देती है। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल गया। एल्गी फंगस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी यानी कि फूड, फंगस एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, और इनकी जो एसोसिएशन है इतनी ज्यादा क्लोज है कि आप देख के ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो लाइकन है वो दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जो लाइकन है वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये कभी भी ऐसे एरिया में ग्रो नहीं करती जहां पर सल्फर प्रेजेंट होगा। तो याद रखना SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के डिटेक्शन में भी लाइकन को यूज किया जा सकता है। दिस इज अ नेचुरल गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, हमेशा साफ एनवायरनमेंट में ही ग्रो करेगी, कभी भी पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, इसी के साथ साथ लाइकन का ये जो फंगल कंपोनेंट होता है, द फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन, इसको हम क्या बोलेंगे? माइकोबायोंट। दिस इज माइकोबायोंट, एंड द एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड फाइकोबायोंट, फाइकोबायोंट। तो इससे हमें ये पता चला कि फंगस की जो स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा कि फंगस की एसोसिएशन अगर एल्गी के साथ होगी तो वो लाइकन की फॉर्मेशन करेगा। अब हम दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, अगर फंगस की एसोसिएशन हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ होती है तो वो माइकोराइजा की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा? माइकोराइजा। तो एक बार उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहां पर। लाइकन तो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं माइकोराइजा की। कब बनेगा वो? जब फंगस एसोसिएट करता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो क्या बनता है? माइकोराइजा बनती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इसमें आपने लिख लिया है माइकोराइजा। ये एंडो और एक्टो दो तरीके का हो सकता है, एंडोमाइकोरिजा और एक्टोमाइकोरिजा। इसमें सेम चीज होती है, इसका एक एग्जांपल पाइनस हम ले रहे हैं। तो जो पाइनस प्लांट है वो, उसको बहुत जरूरत होती है किसकी? फंगस की। वो रूट्स के साथ आके एसोसिएट हो जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो सके, अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, सो ये तो हमने एसोसिएशन पढ़ लिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंगस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होगी, फटाफट से देखते हैं। क्या फंगस सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी या फिर एसेक्सुअली भी कर सकती है? तो लिख लेते हैं फटाफट से रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखिए, अगर फंगस की हम बात कर रहे हैं तो वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। जो वेजिटेटिवली करेगी उसका एक एग्जांपल हो सकता है फ्रेगमेंटेशन। तो हमने यहां पर लिख लिया है, व
वो वेजिटेटिवली भी कर सकती है बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसके अलावा जो फंगस है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, और स्पेसिफिकली वो कुछ स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे जिसको कहते हैं कोनिडिया। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और भी अलग अलग तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है, वो है कोनिडिया। इसके अलावा एप्लैनोस्पोर्स हो सकते हैं, एप्लैनोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल्स हमने उनके बारे में बात की जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने पर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। लेकिन जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो किस तरीके से होगी, गैमेट की फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो गैमेट्स हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, जायगॉट बनेगा, और वो जो जायगॉट बनेगा वो एक डिप्लॉइड सेल होगा जिसके अंदर मियोसिस होती है, ताकि हैप्लॉइड फंगस प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। क्योंकि फंगस क्या होती है नेचर में, हैप्लॉइड होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा तीन स्टेप आते हैं इवेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहला होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है, दो अलग अलग स्ट्रेन, यानी कि दो अलग अलग वैरायटी की जो फंगस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, दोनों के हाइफे एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हो रही है एक तरीके से, दिस इज द अनदर सर। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी। तो यहां पर हम लिख रहे हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इसके पास भी न्यूक्लियस है और इसके पास भी, अब इन दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। तो जिस समय एक ऐसी कंडीशन होती है कि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाएगा, तो मतलब सेल तो एक ही बन गया, लेकिन उसी सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो इस कंडीशन को डाइकैरियोफेज बोलते हैं, डाइकैरियोफेज, एंड द इवेंट इज डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब क्या है, टू न्यूक्लियाई पर सेल, यानी कि हर एक सेल में दो न्यूक्लियस का होना, तो इसको बोलेंगे डाइकैरियन, एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, क्लियर है। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है, अब इसके बाद यहां पर जो न्यूक्लियस था वो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर रहे दोनों न्यूक्लियस, तो सेकंड कंडीशन को कैरियोगैमी बोलेंगे। कैरियोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर, किसकी फ्यूजन हो रही है, न्यूक्लियाई की। तो आप बताइए जब यहां पर दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो यहां पर एक कैसा सेल बनेगा, डिप्लॉइड, विच इज द जायगॉट। तो अब यहां पर फटाफट से लिख लेते हैं, इस जायगॉट के अंदर होगी मियोसिस, तो हमने लिख लिया जायगॉट अंडरगोस मियोसिस, ये थर्ड स्टेप होगा, ठीक है। तो दिस इज द जायगॉट टू वन, जब ये मियोसिस करेगा तो हमें चार हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे, एंड दीज फोर हैप्लॉइड स्पोर्स आर फंजाई, ये चारों क्या होंगी, फंगस होंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फंगस होती है उनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा। एक और पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है, वो ये है कि इन स्पोर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होती है जिसको हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडीज। तो व्हाट आर फ्रूटिंग बॉडीज, दीज आर द स्ट्रक्चर्स इन विच द स्पोर फॉर्मेशन अकर्स, ठीक है। तो हो सकता है किसी फंगस के अंदर जो स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर चले या फिर फ्रूटिंग बॉडी के सरफेस पर चले। तो इसी बेसिस पर फंगस को हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकते हैं आपसे, वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर फंगस को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ। तो हम फटाफट से वो पॉइंट्स लिख लेते हैं जिस आधार पर फंगस को डिवाइड किया। तो तीन पॉइंट्स है, सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, एक तरीका हो गया माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी को देखकर,
कि वो सेप्टेट है या फिर एसेप्टेट। ठीक है, फिर हो गया स्पोर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, और एक हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है फंगस को, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यानी कि फंगस की क्लासिफिकेशन जो की गई है वो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए की है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि किंगडम फंजाई में कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरीज है। तो देयर आर फोर कैटेगरीज जिनको हमने क्लासिफाई किया हुआ है तीन बेसिक फीचर्स के बेसिस पर। वो कौन कौन से फीचर्स थे? सबसे पहला था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, देन फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्मेशन, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, तो जो सबसे पहली कैटेगरी हम किंगडम फंजाई के अंदर पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज। तो मैंने बताया था कि फाइको का मतलब प्लांट से होता है ना, या एल्गी से होता है, इसीलिए इनको एल्गल फंजाई भी कहते हैं, एल्गल फंजाई। ठीक है, अब इनके फीचर्स क्या है, वो कौन से बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि फाइकोमाइसिटीज में आप ऑब्जर्व करोगे? तो ये मेराइन होती है, यानी कि पानी में मिलेंगी। तो चलो एक फीचर हमने लिख लिया कि ये मेराइन है। मैंने बताया था कि हेटरोट्रॉपिक होती है, सो दीज आर हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, ये पैरासिटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक, जनरली दीज आर पैरासिटिक, राइट। फिर इसके अलावा अब और कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर होंगे? तो जो हाइफे यानी कि जो माइसीलियम इनके अंदर प्रेजेंट है, माइसीलियम, वो एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट एंड कोइनोसेटिक। तो एसेप्टेट का मतलब क्या बताया था मैंने? मैंने बोला कि या तो ये जो माइसीलियम है वो क्रॉस वॉल हो सकती है या फिर रेगुलर वॉल हो सकती है ना। तो यहाँ पर इनकी जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है और कोइनोसेटिक है। इनके अंदर जब भी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखिए, एसेक्सुअली अगर ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे, जब भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो स्पोर फॉर्मेशन होगी। और इनके अंदर जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो एंडोजीनियसली होती है, एंडोजीनियसली यानी कि इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होगी उसका नाम होता है स्पोरेंजियम। क्या नाम होगा? स्पोरेंजियम। अब कौन से स्पोर्स इनके अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं? भाई कोई तो स्पोर होंगे, इट कुड बी कोनिडिया और अप्लैनोस्पोर्स, अप्लैनोस्पोर्स। ठीक है, आपको याद रखने की जो अप्लैनोस्पोर्स है वो नॉन मोटाइल होते हैं और जो जू स्पोर्स है वो मोटाइल होते हैं। तो अप्लैनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, और जो जू स्पोर्स होंगे वो होते हैं मोटाइल। यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें याद रहेगा। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइकोमाइसिटीज, जिसको एल्कल फंजाई कहेंगे, मेराइन होती है, हेटरोट्रॉपिक है, माइसीलियम एसेप्टेट और कोनोसेटिक होगा, जब भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी तो स्पोर फॉर्मेशन होती है, ये स्पोर्स कोनिडिया, एप्लैनोस्पोर्स या जूस्पोर हो सकते हैं, जूस्पोर मोटाइल और एप्लैनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे। इन स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, विच इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। और क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए हमने एक टर्म लिखा हुआ है एंडोजीनियस, एंडो मींस इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडीज। अब अगर इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो एक एग्जांपल है राइजोपस, आपने ब्रेड मोल्ड पढ़ा होगा, दिस इज राइजोपस। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर म्यूकर का एग्जांपल आपको गिवन है एंड एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। सो दीज आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम फाइकोमाइसिटीज, जो कि सबसे पहली कैटेगरी होती है किंगडम फंजाई। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, सेकंड, उसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। अब ये जो एस्कोमाइसिटीज है, दीज आर आल्सो कॉल्ड सैक फंजाई, थैले जैसी, यानी कि सैक जैसी अपीयरेंस इनकी होती है, राइट। ये पैरासिटिक भी हो सकती है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक। दीज आर आल्सो हेटरोट्रॉपिक, इसमें यूनिसेल्यूलर फंगस आती है, जैसे कि यीस्ट,
एक सिंपल सी यीस्ट का एग्जांपल याद करो, सैक्रोमाइसिस। ये आपको याद होगा कि वो ब्रेड और बियर की फॉर्मेशन में यूज किया जाने वाला फंगस है, यीस्ट है, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, पेनिसिलियम। कौन सा एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। तो जैसे मैंने बोला कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सरफेस पर भी मिल सकता है, यानी कि वो पैरासिटिक भी हो सकता है, या फिर वो डेड और डिकिंग सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन भी ऑब्टेन कर सकता है, तो वो सैप्रोफाइटिक हो गया। इसी के साथ साथ दीज फंजाई कुड बी कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है दे मे ऑल्सो ग्रो ऑन डंग, गोबर के ऊपर भी वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इनके अंदर जो माइसीलियम होता है वो कैसा होगा, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं दी माइसीलियम इज सेप्टेट। कैसा होता है माइसीलियम, सेप्टेट एंड ब्रांच। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। इसी के साथ साथ जब ये एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके अंदर कुछ स्पोर्स बनते हैं जिनको कोनिडिया बोलेंगे, एंड दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। जरूर याद रखिएगा कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये, एक्सोजीनियसली, ठीक है। और एक्सोजीनियसली कौन सी फ्रूटिंग बॉडी के सरफेस पर ग्रो करेंगे, तो उसका नाम होता है कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स, ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पता है क्या होगा, जब भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो इस केस में भी कुछ स्पेशलाइज्ड स्पोर्स बनते हैं, उनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं, एस्कोस्पोर्स। और जिस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, अंदर का मतलब एंडोजीनियसली इन एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एस्कोकार्प। तो दो तीन चीजें हमने यहाँ पर देखी हैं कि जब भी एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी तो कोनिडिया बनेंगे, ये कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्सोजीनियसली कौन सी बॉडी के सरफेस पर, कोनिडियोफोर्स के सरफेस पर। और जब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, वो भी एंडोजीनियसली। तो किसके अंदर, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट से एस्कोमाइसिटीज के। देखिए अब कौन से एग्जांपल्स होंगे इसके, एक एग्जांपल है एस्पैरजिलस, एस्पैरजिलस नाइगर, मैंने बताया था सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा हो सकता है क्लेविसेप्स, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, क्लेविसेप्स। और थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे न्यूरोस्पोरा। थर्ड एग्जाम्पल कौन सा है, न्यूरोस्पोरा। और आपको ये याद रखना है कि ये जो न्यूरोस्पोरा है ये एक ऐसी फंगस है जो कि एक्सटेंसिवली यूज की जाती है जेनेटिक्स में या फिर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसको जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर मॉरल्स एंड प्रूफल्स भी आते हैं जो कि एडिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, एस्कोमाइसिटीज के। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द टू कैटेगरीज ऑफ किंगडम फंजाई। अब थर्ड कैटेगरी कौन सी होगी, पहले तो फाइकोमाइसिटीज हो गई, फिर एस्कोमाइसिटीज, अब थर्ड होती है बेसिडियोमाइसिटीज। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए तो फटाफट से लिख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। अब इसका भी कुछ दूसरा नाम होगा बेसिडियोमाइसिटीज का, इसका नाम होता है क्लब फंजाई। क्या नाम है इसका, क्लब फंजाई, ठीक है। इसी के अंदर आप एक एग्जांपल पढ़ोगे मशरूम का, क्लब फंजाई यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज में हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं मशरूम का। यहाँ पर हमने लिख लिया है मशरूम, राइट। अब इसके अलावा कौन से फीचर्स होंगे, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ये पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक हो सकती है, पैरासिटिक सैप्रोफाइटिक। इनकी जो माइसीलियम होती है, माइसीलियम कैसी होगी, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, राइट। इनके अंदर कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उसकी जगह पर
दो सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे, नो सेक्स ऑर्गन्स, बट सोमैटिक सेल्स फ्रॉम टू स्ट्रेन्स, यानी कि दो स्ट्रेन्स, दो वैरायटी के जो सोमैटिक सेल्स होंगे फ्यूज टुगेदर, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। और इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन हो रही थी वो एक्सो फॉर्मेशन, कैसे हो रही थी, एक्सोजीनियस, ठीक है। अब यहां पर तो ये तो एसेक्सुअल की बात हो जाएगी स्पोर फॉर्मेशन, जब सेक्सुअल की मैंने बोला तो ये बताया कि सेक्स ऑर्गन्स तो है ही नहीं इनके अंदर, तो जब सेक्स ऑर्गन नहीं है तो फिर जो फ्यूजन हो रही है वो कौन कौन से सेल्स की होगी, वो दो डिफरेंट वैरायटी के सोमैटिक सेल्स की होती है, ये एक सेल है ये दूसरा। जब ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो एक डिप्लॉइड सेल यानी कि जायगोट की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम, दिस इज बेसिडियम। एंड नाउ दिस डिप्लॉइड सेल अंडरगोज मियोसिस, और जब मियोसिस होती है तो चार हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जिनको बेसिडियो स्पोर्स बोला जाएगा, एंड दीज बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी। क्या नाम होगा इनकी फ्रूटिंग बॉडी का, बेसिडियो कार्प, बेसिडियो कार्प। तो आपको ये याद रखना है कि बेसिडियो मायसेटीज को क्लब फंजाई बोलेंगे, मशरूम इसका एग्जाम्पल है, ये एडिबल यानी कि खाने लायक होते हैं ना, These are edible, clear है? फिर उसके बाद heterotrophic है, वो parasitic या saprophytic हो सकती है, mycelium septate और branched होती है, asexually spore formation होती है, exogenously, sexually जब reproduce करेंगे तो कोई sex organ नहीं है, बल्कि दो somatic cells एक दूसरे के साथ fuse करते हैं, जिसके result में basidium बनेगा, this basidium undergoes meiosis to produce four haploid spores. And these are called basidiospores. और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसका नाम क्या होगा, बेसिडियो का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर। एक तो मैंने मशरूम यानी कि अगैरिकस आपको पहले बता दिया था, अगैरिकस, ठीक है। इसके अलावा हमने पुसीनिया पढ़ा था, वो भी इसी के अंदर आएगा। देन यूस्टिलेगो, ये जो एग्जाम्पल्स है वो सारे किसके अंदर आते हैं, बेसिडियो मार्सिटीज के अंदर आते हैं, क्लियर है। तो ये फीचर्स और एग्जाम्पल्स सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, विच इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। कौन सी है लास्ट कैटेगरी, ड्यूट्रोमाइसिटीज लिख लेते हैं, फोर्थ कैटेगरी है ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई। अब ऐसा क्यों है भाई, इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, बिकॉज ओनली एसेक्सुअल फेस, ओनली एसेक्सुअल फेस इज फाउंड, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। तो यही रीजन है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होती है। अगेन यहाँ पर जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम वो किस तरीके से होगा बताइए, इसमें होगा सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। अगेन ये सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, साथ ही साथ ये पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, वो ये है कि जो ड्यूट्रोमाइसिटीज होते हैं इनको यूज किया जाता है लिटर को रिमूव करने के लिए, फिर उनके साइक्लिंग के लिए, न्यूट्रिएंट एंड लिटर साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट एंड लिटर साइक्लिंग, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, अल्टरनेरियस का एग्जांपल है, ट्राइकोडर्मस का एग्जांपल है, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज विच आर ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें से यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को, तो आप बताओगे क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होती है।
पहले इनको ऐसा कैटेगराइज किया गया था कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज उन सब की कैटेगरी में डाल दें, लेकिन लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इसीलिए इनको एक अलग से कैटेगरी में डाला है जिसको कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। आई होप आपको ये समझ में आया है। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।